नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बीकी न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लाल कुर्ते पुलिस जहां लगातार क्षेत्र में बिक रही है। वहीं आपको बता चाहिए कि लाल कुर्ते पुलिस ने थाना लाल कुर्ती पुलिस जहां लगातार क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब को लेकर सूचना पर धरपकड़ कर रही है। वहीं सोमवार शाम को थाना प्रभारी दिलीप कुमार शर्मा के निर्देशों पर एक टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप आदि पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान तोपखाना निवासी मयंक कुमार को अवैध शराब के साथ पकड़ा, जिसमें तलाशी लेने पर उसके पास से 24 पौवे यूपी मार्क शराब भी बरामद हुई, जिसमें मयंक कुमार ने बताया कि ये शराब इंचोली के लेकर अपने पीने के लिए लेकर आ रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में चेकिंग में दबोच लिया गया। थाना लालकोटी पुलिस लगातार शराब माफियों पर कार्रवाई कर रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।